बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 नवंबर 2018 का दिन है और ये आगाखान मेडिकल सेंटर क्लिफ्टन का रोड है कि जिसकी हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना बर्बाद हो रहा है। और ये बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं, जाडे गार्डन और पता नहीं क्या क्या, मेडिकल स्टोर भी हैं और सब इतने सारे, लेकिन ये कि यहाँ रोड बिल्कुल टूटा हुआ है और सेवरेज ओवरफ्लो हो रहा है। और जाहिर है सिंध गवर्नमेंट के पास बजट तो बेतहाशा है और बेतहाशा इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। यानी सिर्फ अगर एक साल का मैं हिसाब लगाऊं तो 2018-19 में पिछले साल के मुकाबले में 101 बिलियन रुपया इंक्रीज़ हुआ है सिंध गवर्नमेंट का बजट, जबकि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का जो बजट था वो इन्होंने 41 बिलियन से 36 बिलियन कर दिया। यानी कराची के लिए तो इनके पास पैसा ही नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे ये कराची को बस यूँ समझे बर्बाद करने के लिए ही यहाँ आए हैं। ये गवर्नमेंट या गवर्नेंस की जैसी तो कोई चीज़ मुझे लग नहीं रही, और जो कि आप ये देखें कि क्या हाल बना दिया है कराची का। सिंध गवर्नमेंट, वही मैं कह रहा हूँ कि पैसा बहुत है, ये बैंक है, ये जादे गार्डन है और ये बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स और इस रोड पर भी है और आगे जाकर अपने आगाखान मेडिकल सेंटर भी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग देखें आप ये कितना परेशान होकर निकलते हैं, ये आप देखें कितना परेशान होकर निकलते हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जूं की तूर नहीं है, यानी कुछ करना ही नहीं है उन्होंने। ये अभी नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ये सिचुएशन है और ये रोड के दूसरे जगहों पर भी यही सिलसिला है। मैं सिविल सोसाइटी से और जुडिशरी से और अपील करता हूँ। अब यहाँ देखे कुत्ते घूम रहे हैं, उनको भी कोई काबू करने के लिए नहीं है, और बच्चे भी निकले हैं इतने सारे, वो भी उस तरफ है। तो मैं सिविल सोसाइटी से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची को जो ये माहौलियाती तौर पर तबाह हो रही है और ये जगह जगह ये पूरा रोड जो है ना ये इसी तरह से बर्बाद हुआ हुआ है और यहाँ मरीज़ भी गुजरते हैं, तो सिविल सोसाइटी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना किरदार अदा करें और कराची को बर्बादी से बचाने के लिए आगे आएँ। शुक्रिया।